हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है रमित और आप देख रहे हैं लर्निंग हेल्प हमारे पिछले वीडियो में हमारे एक व्यूअर अक्षय पुरी ने रिक्वेस्ट किया था कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस कुछ और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हें डिस्कशन में लाया जाए तो गाइज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही अपकमिंग एग्जाम के बारे में बात करेंगे जिसका एग्जाम अभी पेंडिंग है और वीडियो के लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक आपको स्किप नहीं करने हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप से भी अवेलेबल हो जाएगा सभी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो गाइज हम बात कर रहे हैं वाइस परमार यूनिवर्सिटी में होने वाले एग्जाम की इसका एग्जाम अक्टूबर 2019 को फाइनल हुआ था फिर किसी रीजन से रीशेड्यूल होने के बाद दोबारा फॉर्म फिलअप की डेट एक्सटेंड हुई और नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया कि जो भी ऑलरेडी ये फॉर्म भर चुके हैं उन्हें ये फॉर्म दोबारा भरने की जरूरत नहीं है तो फॉर्म भरने की डेट थी 20 फरवरी 2020 से 19 मार्च 2020 तक तेईस 20 मार्च को लॉकडाउन शुरू हो गया था और उसके बाद से इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है बट ये कन्फर्म है की एग्जाम तो होना ही है सो so फ्रेंड्स आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखे बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की जो आज तक का सिलेक्शन प्रोसेस रहा है उसमें सबसे पहले मार्क्स का एक रिटर्न एग्जाम

उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये एग्जाम 16 सितंबर 2018 को हुआ था 85 मार्क्स का ये एग्जाम था और 90 मिनट्स की की इसकी आपकी टाइमिंग थी तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट सेक्शन जो था जनरल नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया आंसर इज लाहौल स्पीति सेकेंड क्वेश्चन श्री जयराम ठाकुर इज द डैश चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द आंसर इज थर्ड क्वेश्चन पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज आंसर इज 123 persons per square kilometer. Question 4. State flower of Himachal Pradesh is? And the answer is Pink rhododendron. Next question is Great Himalayan National Park is located in? And the answer is Kullu. Next is Full name of President of India is? And the answer is Ramnath Kovind. Next question. GST stands for GST means Goods and Service Tax. Next is India celebrated Dash Independence Day. On 15 August 2018. Answer is 72nd. Next is Dr. Y.S. Parmar, founder of Himachal Pradesh, was born on. And the answer is 4th August 1906. Next is Nalwadi Fair is associated with answer is cattle trade. Next question is Chilgoza is found in and the answer is Kinor. Next question: Masru Rock Cut Temple are found in and the answer is Kangra. श्री रेणुका जी लेक इज लोकेटेड इन सिरमौर प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू आंसर आंसर इज 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 कुकिंग गैस गोल्डन अ ऑफ एंड एप्पल अब जो अगला सेक्शन है वो है इंग्लिश का और पहला क्वेश्चन है चेंज द द द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट एंड आंसर इज क्रिकेट वॉज बींग प्लेड बाय द बॉयज क्वेश्चन सेवनटीन राइट द दिनिम ऑफ ब्रेव एंड द आंसर इज एंडरलेस नेक्स्ट क्वेश्चन द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ डू इज डन नेक्स्ट क्वेश्चन द एंटोनियम ऑफ ब्यूटिफुल इज एंड आंसर इज अगली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ड करेक्शन का है इसमें आपको ओमिनस की करेक्ट स्पेलिंग पता है और जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ओ एम आई एन ओ यू एस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिलअप का है ही इज स्टिंग एट डैश यूनिवर्सिटी इन यूके और इसमें आपका आर्टिकल आएगा अ ही अडिंग एट अ यूनिवर्सिटी इन यूके नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज द जेंडर ऑफ कोल्ड एंड आंसर इज फिली नेक्स्ट क्वेश्चन आई सॉ अ डैश ऑफ काउस इन द फील्ड और इसका आंसर है हर्ड हर्ड आई सॉ अ ऑफ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेंटेंस करेक्शन का है और एक सेंटेंस करेक्शन का भी क्वेश्चन आता ही आता है तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ही इज वाइजर देन आई नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यंग वन ऑफ द हॉर्स इज नोन एज एंड आंसर इज पोल फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने किसी भी टॉपिक को डीपली डिस्कस नहीं किया है हम डीपली डिस्कशन इसकी अपनी वीडियो सीरीज में ही करेंगे स्पेशली कंप्यूटर और जीके को तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में जो है हिंदी और इस सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है वो है विलास का विलोम शब्द है और इसका सही उत्तर है तप अगला सवाल अक्ष का सही अर्थ है रावण का पुत्र अगला सवाल उसने काम कर लिया होगा कौन सा वाक्य है और उत्तर है संदेहवाचक अगला सवाल मोनोहस्ती है कौन सी क्रिया है और इसका सही जवाब है अकर्मक क्रिया अगला सवाल नवग्रह कौन सा समास है सही जवाब है द्विगु समास अगला सवाल रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं और इसका सही जवाब है तीन वाक्य के कितने भेद होते हैं इसका जवाब है तीन अगला सवाल चक्रधर चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु समास का नाम होगा और उत्तर है समास अगला सवाल देवालय शब्द में कौन सी संधि संधि है है और और सही उत्तर स्वर इस सेक्शन का आखिरी सवाल क च कौन से व्यंजन है और सही जवाब है स्पर्श व्यंजन और हमारा लास्ट सेक्शन है कंप्यूटर का फिफ्टी मार्क्स का ये सेक्शन है तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते और इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू ओपन File menu option in current program and the answer is Alt plus F. Next question. Which option can be used to set custom timing for slides in presentation? And the answer is Rehearsal. Next question. Ethernet token ring and token bus are types of and the answer is LAN. Next question. A web page can be defined as and the answer would be content wise and structure wise only. Next question. One kilobyte consists of 1024 bytes. Next question. What is the best way to store connection string and the answer would be config file next question dash refer to any type of application or presentation that involves more than one type of media such as graphics text video animation or sound and the answer would be multimedia next question a smaller version of an image is called and the answer is thumbnail next question during normal pc boot process which one is activated first and the answer would be ROM BIOS. Next question: What do we call a location of two or more than two computers located within the limited distance from each other and connected to each other directly or indirectly? So, its answer will LAN. Next question: One nibble is equal to dash bits, and the answer is four. Next question: A PowerPoint template will be saved by default in the template directory and will have a dash file extension. And the answer is dot potx. क्वेश्चन वी कैन एडजस्ट द शेप ऑफ लाइन एंड टू गिव दर यूजिंग एंड लाइन कैप्स नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ऑफ बूट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम एंड एडवांस्ड बायोस फीचर्स अगला क्वेश्चन आपका कन्वर्जन का है कन्वर्ट दी नंबर डबल वन जीरोमल नंबर एंड दंसर इज वन जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Full form of ASCII is and the answer is American Standard Code for Information Interchange. Next question. Animation effects in modern movies is often created with programs and the answer is CGI. Next question is among keyboards, mouse, scanners, thermal printers, which one is not an input device? एंड आंसर इज थर्मल प्रिंटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कन्वर्जन का ही है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर थ्री थ्री जीरो टू बाइनरी होप फुलिसरीज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम यही डिस्कस करेंगे डिजिटल की ही टॉपिक हम उसमें डिस्कस करेंगे जिसमें आपका कन्वर्जन भी इंक्लूडेड रहेगा तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा किस तरह से कन्वर्जन होती है सो डोंट वरी अबाउट दैट वी विल कवर ईच एंड एवरी थिंग इन आर सीरीज अभी के लिए बस आपको इतना करना है कि आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है और उसके बाद एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी क्रिएट करके आप स्टडी अपनी स्टार्ट कीजिए तो अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं और इसका सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैकग्राउंड कलर ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन एंड आंसर इज प्रिंट प्रिव्यू नेक्स्ट क्वेश्चन इन एक्सेल विच वन डिनोट्स अ रेंज फ्रॉम बी वन थ्रू फाइव एंड द आंसर इज बी वन रेशियो ई फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन In Excel, new workbook contain dash worksheet by default and the answer is three. Next question To draw a perfect shape dash key should be used with mouse and the answer is shift. Next question equal to sum bracket start s12 ratio s23 bracket close is an example of answer is formula. Next question is how many megabytes are in one terabyte and the answer is 1048576. Next question Antivirus is a Dash software. And the answer is system software. Next question Number of attributes in the table is called. And the answer is degree. Next question ISDN stands for. And the answer is integrated services digital network. Next question The other way to extend a browser is to use. And the answer is helper application. Next question Dash is the protocol used by email clients to download email to your computer. And the answer is POP. POP. Next question, a computer on internet is identified by and the answer is IP address. Next question, HTML is a subset of and the answer is SGML. Digital signature needs a public key system. Next question, the first network that has planted the seeds of internet was and the answer is ARPANET. Next question, in which type of network are all the computer considered equal? And the answer is peer to peer. Next question Network components are connected to the same cable in the dash topology and the answer is bus next question a dash main purpose is to prohibit unauthorized access to your computer via internet and the answer is firewalls next question what is the correct html for adding a background color and the complete syntax is given on your screen next question who is known as the father of www and the answer is tim berners lee next question which one is a storage class specification of C? And the answer is string. Question 76. In C, address of M's memory location can be determined by the expression. And the answer is star M. Question 77. Full form of GIF is graphical interchange format. Next question. How many attributes control the characteristics of sound? answer is 2 next question array is a collection of answer is similar type of elements next question the given two operators are and the answer is logical operators next question a variable that holds the memory address of another object is called and the answer is pointer next question length of string correct is and the answer is 7 next question literal means a string constant next question c programs are converted into machine language with the help of एंड कंपाइलर नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग सी डी पेनड्राइव मैग्नेटिक टेप हार्ड डिस्क विच वन इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडिया एंडर इज मैग्नेटिक टेप तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद हमने ये एनालाइज किया कि कुछ एक टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल नॉलेज के सेक्शन में जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ एच पी एंड इंडिया विद जीएसटी गवर्नमेंट न्यू स्कीम्स रिलेटेड टू फाइनेंस इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स क्वेश्चन रिलेटेड टू वाइस परमार यूनिवर्सिटी इस पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ एचपी टेम्पल लेक्स रिवर्स पावर प्रोजेक्ट फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ एच पी दे बेसिक जनरल नॉलेज ऑफ एचपी इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक चिलगोजा एपल ब्रीड्स एक्सेट्रा ये सभी टॉपिक आपके कोई भी अगर आप हिमाचल प्रदेश जीके की कोई बुक लेते हैं तो उसमें कवर हो जाएंगे एंड इवन हमारी जो एचपी जीके की सीरीज है उसमें भी कवर हो जाएंगे हिमाचल जीके के लिए अगर आप बलोखरा को फॉलो कर रहे हैं तो वेल एंड गुड उससे बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं है इवन अगर आप एच एस की भी तैयारी कर रहे हो तो उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है इस एग्जाम में एचपी जीके बहुत ज्यादा डीपली कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप किसी और बुक के लिए ट्राई कीजिए फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की जो है इंग्लिश का उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज ऑफ वॉइस जेंडर सिनोनिम वर्ड करेक्शन करेक्शन सेंटेंस एंड फिल द ब्लैंक्स ये वो टॉपिक है जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि जितना हो सके अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी रीडिंग हैबिट्स में अपनी लिसनिंग हैबिट्स में इंग्लिश को इंक्लूड कीजिए जो नेक्स्ट सेक्शन है आपका वो है हिंदी का उसमें आपको वर्णमाला वाक्य समास क्रिया संधि और विलोम शब्द इन टॉपिक को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते सिलेबस डेफिनेटली और भी है लेकिन ये वो टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस डेफिनेटली हर बार बनते हैं फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस एग्जामिनेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है जिसकी वेटेज फिफ्टी मार्क्स की है वो है कंप्यूटर नॉलेज तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग है फिर सी प्रोग्रामिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा बेस ब्राउजर्स एच टी एम एल फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि डब्ल्यू 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 फॉर्मेट एंड एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स साउंड एंड देयर एट्रीब्यूट्स मेमोरी कन्वर्जन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, शॉर्टकट कीज टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर गुड बाय